नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नानी द्रिवंत। माई सेल्फ एडवोकेट रेवंत सिंह राठौड़, कंसल्टेंट इन सर्विस मैटर्स एंड प्रैक्टिसिंग इन सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड साइबर ऑफेंसेस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चार्जशीट क्या होती है, चार्जशीट कैसे सर्व की दी जाती है, चार्जशीट यदि प्रॉपर वे से सर्व नहीं की जा सकती है तो आपके खिलाफ क्या डिपार्टमेंटल एक्शन या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है या नहीं। चार्जशीट जनरली दो तरह की होती है, एक होती है क्रिमिनल चार्जशीट जो कि पुलिस फाइल करती है कंसर्न कोर्ट में, एक होती है डिपार्टमेंटल चार्जशीट या सर्विस चार्जशीट। यदि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट ऑफिसर अपने सर्विस रूल्स को ब्रेक कर देता है जो उस कंसर्न डिपार्टमेंट के सर्विस रूल्स हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं, यदि आप उन सर्विस रूल्स को ब्रेक करते हैं, वॉयलेट करते हैं, तो आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट कर दी जाती है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट करने से पहले आपको आपके जो कृत्य आपने किए हैं या जो एक्शन आपने लिया है उन एक्शंस के या उन जो वायलेशन ऑफ रूल्स हैं उसके बारे में अवगत कराया जाता है। ये एक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का। यदि किसी व्यक्ति ने कोई काम गलत किया है तो सबसे पहले उसे अवगत कराया जाए कि उसने क्या किया है और उसके खिलाफ क्या चार्जेस हैं, तो उसे भी एक पार्टी बनाया जाए, उसके रिप्लाई या रिटर्न स्टेटमेंट लिए जाए या उसे अपीयर होने का राइट दिया जाए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं। इसलिए कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट करने से पहले या फिर कोई भी पनिशमेंट देने से पहले आपको मौका दिया जाता है कि आपको आपके खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं, इम्पोज किए गए हैं, वो चार्जेस के बारे में बताया जाए। तो इस पर्पज़ के लिए चार्जशीट इशू की जाती है। अब चार्जशीट इशू करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। चार्जशीट जनरली आपको फिजिकली हैंड ओवर कर दी जाती है जो डे टू डे प्रैक्टिस में प्रेवलेंट है। चार्जशीट आपको रजिस्टर्ड डीडी के माध्यम से आपके घर पे भेज दी जाती है। चार्जशीट प्रेस के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको पहुंचा दी जाती है। या आपके सर्विस रूल्स लागू करते हैं तो चार्जशीट आपके डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पर भी चिपका दी जा सकती है। तो चार पांच तरीके होते हैं जनरली जिनसे चार्जशीट इशू की जाती है। लेकिन प्रॉपर वे ऑफ चार्जशीट क्या होता है यदि आपको फिजिकली हैंडओवर की जाती है। तो जनरली हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि दो तरीके जो बड़े फेमस होते हैं चार्जशीट देने के, या तो कर्मचारी को फिजिकली हैंडओवर कर दो चार्जशीट, या फिर जो चार्जशीट यदि कर्मचारी नहीं आ रहा है तो उसको रजिस्टर्ड ईडी के माध्यम से उसके करंट एड्रेस या फिर जो परमानेंट एड्रेस है उस पर भेज दिए जाए। लेकिन एक कर्मचारी पूछता है कि सर यदि मैं चार्जशीट लेने से मना कर दूं तो क्या मेरे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, क्या मुझे पनिशमेंट मिल सकती है। सबसे पहले जब भी कोई चार्जशीट फिजिकली हैंडओवर होगी तो कर्मचारी के सिग्नेचर लिए जाएंगे या तो एक चार्जशीट की अन्य कॉपी पर या फिर कोई रजिस्टर्ड जो डिपार्टमेंटल है वो मेंटेन करता है तो उस रजिस्टर पर आपका थंब इंप्रेशन भी लिया जा सकता है और आपके सिग्नेचर भी वहाँ लिए जा सकते हैं कि इस कर्मचारी को हमने इतनी इतनी तारीख को चार्जशीट सर्व कर दी गई है, ये प्रॉपर वे ऑफ चार्जशीट है, ये उसके साइन है, ये उसके थंब इंप्रेशन है। और उसमें कोई विटनेस भी हो सकता है कि इस विटनेस के सामने हमने इसको चार्जशीट इशू की है। और यदि कर्मचारी वहाँ पे आ नहीं रहा है, ऑफिस नहीं आ रहा है, तो उसको रजिस्टर्ड एडी के माध्यम से करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस पे चार्जशीट इशू कर दी जाती है। और यदि वह दो बार रजिस्टर्ड एडी लेने से मना कर देता है तो थर्ड टाइम भी उसको चार्जशीट सर्विंग माना जाएगा कि ये कर्मचारी जानबूझकर चार्जशीट नहीं ले रहा है, इसलिए रजिस्टर्ड एडी वापस नहीं आ रही है, तो इसको भी प्रॉपर वे ऑफ चार्जशीट माना जाएगा। अब एक डाउट रेज होता है, यदि फिजिकली आदमी लेने से मना कर दे तो, फिजिकली आदमी चार्जशीट ले ले, कर्मचारी है वो चार्जशीट लेने से मना कर दे तो क्या होगा। जब भी कोई एम्प्लॉय या कोई अफसर फिजिकली चार्जशीट लेने से मना कर दे और वहाँ पे यदि दो इंडिपेंडेंट विटनेस हैं जो उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यदि वो वहाँ पे अवेलेबल हैं तो उनका स्टेटमेंट लिखा जाएगा कि मेरे सामने, वो दोनों अपने स्टेटमेंट में लिखेंगे मेरे सामने सो एंड सो अधिकारी ने सो एंड सो एम्प्लॉय को चार्जशीट इशू की थी बट ही रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने मना कर दिया चार्जशीट लेने से, ये इतने तारीख की घटना है। तो यदि ये दो विटनेस ऐसा लिख देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, अपने स्टेटमेंट में ऐसा कह देते हैं, तो इसको भी प्रॉपर सर्विंग ऑफ चार्जशीट माना जाएगा, फिर उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट कर दी जा सकती है और उसे पनिशमेंट भी दी जा सकती है और उसके खिलाफ एक्स पार्टी इंक्वायरी भी कर दी जा सकती है। लेकिन यदि एम्प्लॉय को जनरल मैनर में किसी भी चलते फिरते आदमी ने चार्जशीट पकड़ा दी है तो वो क्या कर सकता है। यदि ऐसी वे में आपको चार्जशीट मिली, आपके कोई सिग्नेचर नहीं लिए गए, आपके कोई थंब इंप्रेशन नहीं लिए गए, या आपको चार्जशीट की कॉपी के जो सिग्नेचर हैं, रिसीव्ड के सिग्नेचर्स हैं, वो नहीं लिए गए हैं, तो इस केस में आपके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है या जो पनिशमेंट आपको मिली है उसको आप इनवैलिड घोषित करवा सकते हैं, इनवैलिड डिक्लेयर करवा सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी से भी और कैट से भी, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होती है आपके डिपार्टमेंट की, वहाँ से इसे आप इनवैलिड डिक्लेयर करवा सकते हैं। इट इज़ योर मैटर ऑफ राइट, क्यों यदि सुप्रीम कोर्ट ने माना यदि प्रॉपर
सर्विंग ऑफ चार्जशीट ही नहीं है, तो जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी आपके खिलाफ की गई है या जो पनिशमेंट आपको दी गई है वो वॉइड एब इनिशियो है, वो इनवैलिड फ्रॉम इट्स इंसेप्शन मानी जाती है। तो यदि आपको चार्जशीट इस प्रकार सर्व की गई है कि आपके कोई सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन नहीं लिए गए, तो आप अपेलेट अथॉरिटी को या कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और उस इंक्वायरी को आप इनवैलिड घोषित करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप जनरल लॉज के वीडियोस देखना चाहते हैं, जो सामान्य लॉ होते हैं, आईपीसी के, जो बीएनएस के कानून हैं, जनरल एनडीपीएस के, एक्साइज के कानून के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है मेरे चैनल कानूनी ज्ञान का, वहाँ जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप अपना कोई भी मैटर कंसल्ट करना चाहते हैं जो कि क्रिमिनल इन नेचर सर्विस मैटर है या फिर मैट्रिमोनियल नेचर का कोई मैटर है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, वहाँ आप कंसल्टेशन चार्जेस पे करने के बाद अपना मैटर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।